गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है, गेस करो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यही? हाँ चलो ओके ठीक है। सुमन से कॉम्प्रोमाइज हो गया क्या? ओह नो, नेक्स्ट। नेक्स्ट। अरे ट्राई करो यार। आई एम वेरी बैड एट इट, मुझे नहीं आता, हार गई। चलो हार गई, एक मिनट आइए। That's really a pleasant surprise. How are you? I'm so happy. How are you, Nishi? Fine, thank you. तुम कैसी हो? बस, I'm just okay. कपिल ने बताया तो था तुम आ रही हो। I'm so happy तुम लौट आई हो। मगर कुछ लोगों को इस बात का खुशी नहीं है। किसे? ये सुमन के बारे में कह रही हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? सुमन तो बहुत खुश हुई होगी। वो कैसे खुश होंगी निशि, भैया की जायदाद पर नागिन आकर बैठ गई है, भला उन्हें कैसे खुशी होगी? लेकिन करण के विल के मुताबिक उसे तो उसका सारा हक मिल चुका है, उसे और क्या चाहिए? वो बहुत शातिर है निशि, मन ही मन में वो काफी कुछ मैनिपुलेट कर रही है। उनकी नजर हम सबके हिस्सों पर है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे कनाडा भिजवा दिया था। आई डोंट बिलीव दिस। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन ये सच है। सुनिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा अंदाजा गलत है? अंदाजा कैसे गलत हो सकता है भैया, सुनने में तो ये आया है कि आजकल लंकेश उनसे मिलने आते हैं। What? और उसकी जुर्रत देखिए कि वो उनसे घर पर मिलने आता है। How can this be possible? पैसा सब कुछ पॉसिबल करवा देता है। वैसे रोहन भैया को इस बात का यकीन नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भैया की मौत में भाभी का हाथ है। नहीं सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुमन करण से मोहब्बत करती थी। जो जिससे जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है उतनी ज्यादा नफरत भी कर सकता है। तुम नहीं जानती निशी, लेकिन भाभी को ये बात कभी गवारा नहीं हुई कि तुम करण भैया के बच्चे की माँ हो। उन्होंने भैया को इस बात के लिए कभी माफ नहीं किया। उनमें बहुत बदले की भावना है। मेरे आने से जब उन्हें लगा कि वो केके इंटरनेशनल को पूरी तरह से नहीं हत्या सकेंगी, तो उन्होंने नीलम और लंकेश का सहारा लेना शुरू कर दिया। अब हम सब उनके दुश्मन हैं और हमें चौकन्ना रहना चाहिए। विश्वास नहीं होता, इंसान अपनी छोटी सी जिंदगी में इतने रंग बदल सकता है। क्या बात है शरद, तुम इतनी दुमसुम क्यों? कुछ नहीं। कुछ तो है, बताओ ना। अतुल, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। अरे ऐसी कौन सी बात है जिससे मुझे तकलीफ पहुंचेगी, बताओ ना। अतुल, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बस इतनी सी बात, ये तो मुझे मालूम है। I'm really sorry अतुल। You don't have to be sorry। वो कहते हैं ना, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता ना तो। चलो एक बात सच सच बताओगी? पूछो। तुम किसी से प्यार करती हो? करती हो ना? क्या मैं पूछ सकता हूँ किससे प्यार करती हो? क्या करोगे जानते? कहीं तुम कपिल से तो प्यार नहीं करती? हाँ, मैं कपिल से प्यार करती हूँ। और वो सोनिया से प्यार करता? पर अतुल, सोनिया से प्यार नहीं करती, उसके लिए तो कपिल एक बीता हुआ कल है। क्या कभी तुमने कपिल से अपने प्यार का इजहार किया? ये गलती की है मैंने, लेकिन उसने मुझसे कह दिया है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। बड़ी अजीब बात है, कपिल सोनिया से प्यार करता है, तुम कपिल से प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। हर कोई एक दूसरे से मोहब्बत करता है, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं।